वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं वेद और आज के सेशन में हम लर्न करेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे वेलफेयर। वेलफेयर क्या होता है? वेलफेयर एक ऐसा शब्द है जो कंपनी चलाने के लिए बहुत ही बेहद जरूरी होता है, क्योंकि जब कंपनी की शुरुआत होती है, कंपनी में कोई भी वर्क शुरू होता है और जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में आपसी संबंध स्थापित होते हैं, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक रिलेशनशिप जब क्रिएट होता है, उस समय वेलफेयर का जन्म होता है। तो वेलफेयर को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके अर्थ को समझना होगा और फिर तब आप देखेंगे कि वेलफेयर किस तरीके से कंपनी पर इफेक्ट डालता है और कंपनी की जो वैल्यू होती है उसको लो और हाई करने में सफल होता है। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि वेलफेयर होता क्या है। तो जैसे हम वेलफेयर की बात करते हैं तो हमारे सामने एक शब्द उभर कर आता है जिसे हम कहते हैं एक प्रकार की सुविधा। ठीक है, एक प्रकार की सुविधा, एक प्रकार की फैसिलिटीज, एक प्रकार का बिहेवियर भी कह सकते हैं। तो अगर इसको शॉर्ट में हम कहें वेलफेयर को, तो कह सकते हैं एसेस टू बेसिक फैसिलिटीज, यानी बुनियादी सुविधाएं, प्रारंभिक सुविधाएं। बट किसके लिए, कौन देता है इसे, किसके लिए होता है, क्या क्या सुविधाएं हो सकती हैं, इसको थोड़ा सा और भी हम एक्सप्लेन करेंगे। इस चीज को आप और भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो यदि वेलफेयर के बारे में अगर कुछ इस तरह से कहा जाए कि एक सुविधा जो नियोक्ता द्वारा श्रमिक और कर्मचारी को प्रदान की जाती है, जैसे शौचालय की सुविधा, आराम करने की सुविधा, हाथ धोने की सुविधा, चेंजिंग रूम, खाने की सुविधा, प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा, स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधा इत्यादि, इन ये सभी सुविधाएं जो है वेलफेयर कहलाती है। एक बात इसमें आपको नोटिस करना है कि एक ऐसी सुविधा जो नियोक्ता कौन है, यहाँ पे कंपनी है, कंपनी कह सकते हैं, एम्प्लॉयर कह सकते हैं, क्योंकि यह किसके लिए बेसिक वेलफेयर होगा, वह एम्प्लॉय के लिए होगा, वर्कर के लिए होगा। थोड़ा सा और इसे अगर हम एक्सप्लेन करें तो आप कुछ इस तरह से कह सकते हैं, ए फैसिलिटीज विच इज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द वर्कर एंड एम्प्लॉय, लाइक टॉयलेट फैसिलिटीज, रेस्टिंग फैसिलिटीज, हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज, चेंजिंग रूम, ईटिंग फैसिलिटीज, फर्स्ट एड फैसिलिटीज, हेल्थ सेफ्टी फैसिलिटी इत्यादि। एक ठीक वैसे ही स्वीट एंड सॉफ्ट आंसर आपका होता है आप वेलफेयर शब्द को कहने में। अगर आप केवल कहते हैं एसेस टू बेसिक फैसिलिटीज, तो यह कंप्लीट नहीं होता है, यह इनकम्प्लीट आंसर होता है। लेकिन जब आप इस तरह से कहते हैं, ये पूरी बात लिखते हैं कि कौन कौन सी सुविधाएं होती है, किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है, और इसे अगर दो लाइन में लिखते हैं तो शायद आपका आंसर बहुत ही बेहतर होता है और बहुत ही शानदार होगा। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और कुछ और इसके डेफिनेशन को समझेंगे और जानेंगे। अगर इसी वेलफेयर को इस तरह से कहा जाए कि एक ऐसी सुविधा जो एम्प्लॉयर के द्वारा वर्कर और एम्प्लॉय को प्रदान की जाती है, जैसे टॉयलेट की सुविधा, आराम करने की सुविधा, हाथ धोने की सुविधा, चेंजिंग रूम, खाने की सुविधा, प्राथमिक उपचार की सुविधा, हेल्थ सेफ्टी की सुविधा, उसे क्या कहा जाएगा, वेलफेयर कहा जाएगा, उसे आप वेलफेयर कहेंगे। अगर इस चीज को थोड़ा सा आप चेंज करें तो यह भी कह सकते हैं द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड द वर्कर एंड द फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द कंपनी एट द वर्क प्लेस ड्यूरिंग वर्क इज कॉल्ड वेलफेयर। राइट, आई होप कि आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। थोड़ा सा और अगर हम दूसरे शब्दों में इसी चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें वेलफेयर को, तो कुछ इस तरह से कह सकते हैं। इसमें जो होगा थोड़ा सा आपकी फिलॉसफी की अंदाज होगी, लेकिन यह भी आंसर अपने आप में परफेक्ट होता है। कंपनी और वर्कर के बीच कार्य के दौरान कार्यस्थल पर कंपनी के द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का आपसी संबंध वेलफेयर कहलाता है। द परफेक्ट आंसर एंड परफेक्ट डेफिनेशन, तो आप इस तरह से भी कह सकते हैं। अब इसमें बताया गया है कि कंपनी और वर्कर के बीच, यानी वर्कर इट मींस जहां भी वर्कर शब्द आए वहां आपको यह जानना होगा कि यह इम्प्लाई और कार्य करने वालों की बात की जा रही है। कहां पे बात की जा रही है, यानी ये कंपनी के अंदर की बात हो रही है, वर्क की बात हो रही है। तो कंपनी और वर्कर के बीच का एक ऐसा संबंध, कैसा संबंध है, बेसिक सुविधाओं का संबंध। और बेसिक सुविधाओं को आप क्या कहते हैं, वेलफेयर कहते हैं।
किन किन नामों से जाना जाता है, तो आपने देखा अभी खाने की सुविधा होनी चाहिए, फर्स्ट एड की सुविधा होनी चाहिए, कपड़े चेंज करने की सुविधा होनी चाहिए, नहाने की सुविधा होनी चाहिए, टॉयलेट फैसिलिटीज होनी चाहिए, वॉशरूम होना चाहिए एक्सेट्रा, ये सारी सुविधाएं होती है। कौन प्रदान करता है ये बात भी मायने रखती है, तो इसे हम कह सकते हैं ये एम्प्लॉयर के द्वारा प्रदान की जाती है। अब यहाँ पे जो वेलफेयर में जो नोटिस करने वाली बात है वह क्या है, ये इसमें दो लोग हैं, कौन से हैं, यानी दो बिंदु है। पहला एम्प्लॉयर, जिसकी जो कंपनी को रन कराता है, कंपनी को गवर्न करता है, वह एम्प्लॉयर हो गया, वो आपकी जिम्मेदारी लेता है। किसकी जिम्मेदारी लेता है, वर्कर की जिम्मेदारी लेता है, एम्प्लॉय की जिम्मेदारी लेता है। इस चीज के लिए तो बेसिक सुविधाओं के लिए, यह एक विश्वास है, इसे हम म्यूचुअल रिलेशनशिप भी कह सकते हैं वर्कर एंड एम्प्लॉयर के बीच में। तो डियर स्टूडेंट हमेशा याद रखिएगा कि वेलफेयर की सुविधा किसके द्वारा प्रदान की जाती है, तो कंपनी के द्वारा कह सकते हैं या एम्प्लॉयर के द्वारा कह सकते हैं। आई होप कि ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी और आप अब वेलफेयर के मायने समझ चुके होंगे। अब तक आपने जो सीखा वह ये सीखा कि वेलफेयर का मतलब होता है एक बेसिक सुविधा, वेलफेयर का अर्थ होता है कि एम्प्लॉयर के द्वारा अर्थात कंपनी के द्वारा वर्कर को और एम्प्लॉय को दी जाने वाली सुविधाएं होती हैं जो कार्य के दौरान दी जाती हैं। यह सुविधाएं कब दी जाती हैं, कार्य के दौरान दी जाती हैं और ये बिल्कुल फ्री होती है, कंपनी इसके लिए कोई चार्ज नहीं कर सकता है, कंपनी इसके लिए अलग से पैसे नहीं चार्ज कर सकती है, डिमांड कर सकती है, ये बिल्कुल फ्री होता है। तो कितने पॉइंट्स हो गए, वेलफेयर इट मींस ए टाइप्स ऑफ फैसिलिटी। दूसरा क्या होगा, ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो यह प्रदान किया जाता है आपके एम्प्लॉयर के द्वारा। ओके, किसके लिए प्रदान किया जाता है, तो वर्कर के लिए प्रदान किया जाता है, एम्प्लॉय के लिए प्रदान किया जाता है और वह भी पूरी तरह से निःशुल्क प्रदान किया जाता है। आई होप कि ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, आप इसको पॉइंट नोट कर लीजिएगा और अगर कोई चीज समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा आप प्ले करके जरूर देखिए ताकि हर एक चीज क्लियर हो पाए। मेरा मकसद है आपको बेहतर बनाना, मेरा मकसद है कि आप जहां भी जाएं तो आपके जवाब से लोग ये समझ पाए यू आर ए परफेक्ट सेफ्टी ऑफिसर, यू आर ए परफेक्ट पर्सन फॉर माई कंपनी, मेरा उद्देश्य यही है। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए।